आ रहा, वो शेयर है बीएसई। हल्के फुलके भी अगर हम देख रहे हैं कि शेयर नीचे जा रहा है, बाहर तैयार बैठे हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 5% का तगड़ा मूव और डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 4,150 रुपए के आसपास का भाव है। बीएसई में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इसमें क्या करें सर, आपकी क्या राय होगी इस पर? तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ट्रेंड क्लियरली पॉजिटिव है, ट्रेंड के अगेंस्ट में तो सोचने का मतलब ही नहीं। और ऐसे मार्केट में जहां पे इंट्राडे में 200 250 300 पॉइंट के फॉल आ जाते हैं निफ्टी में, तो भी स्टॉक को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली एक रेजिलियंट स्टॉक है, बहुत वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, लेकिन मार्केट का सपोर्ट नहीं है। नए पोजिशन लेने में यहाँ पे रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी तक स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो जरूरी नहीं कि हर लेवल पे आप बाय करें और हर लेवल पे आपको स्टॉक ट्रेडिंग में पैसा देता जाए। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो आज के लो के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, बट अगर नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसमें ट्रेड ले और मोमेंटम में पैसा बनता ही जाए। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें 3850-3860 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और नई पोजीशन लेनी है तो मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखिए, वो दैट वुड बी बेटर।